हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सभी की जो हमारी वीडियो, ये एक फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो, इस वीडियो का नेम है ईद मुबारक 2018 और ये पिशावरी वाइंस की वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए कर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसपे मेरा रिएक्शन। ये तो शॉपिंग लेती है ना यार, मैंने तो कुछ बर्दाश्त 500 रुपए दो सूट लेते हैं तो चलिए पूरे 500 रुपए के चक्के हैं। वाह शॉपिंग कर दी यार, थोड़ी गले नहीं मुक्ती है, जरा टीवी लगाओ। हेलो बेटी बैठी है क्या यार, इधर से रिमोट टीवी लगाओ। मुफ्ती मलिक रहमान ने कल ईद होने की नवीद सुना दी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी हवाले से, ईद मुबारक वीडियो थी 2018 और पिशावरी वाइंस की ये वीडियो थी। आप लोगों ने मेरे साथ देखी और उससे मेरा रिएक्शन, और छोटी सी वीडियो थी लेकिन इंटरटेनिंग थी और मज़ेदार किस्म की थी। मैंने इंजॉय किया इसको और काफ़ी, मतलब मैं गौर से देख रहा था कि जो है इसमें और क्या क्या होता है, लेकिन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई और इसको, मतलब इसकी और लेंथ लंबी होती या कुछ ना कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था और अच्छी हो सकती थी। और एंड समझ नहीं आया, लेकिन मज़ा नहीं आया ज़्यादा इस हवाले से। लेकिन अगर इसमें ऐसा कुछ होता कि चेक नकली होते या कुछ ऐसा और आगे दिखाया जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ओवरऑल अच्छी थी आप ये कह सकते हैं, ये बुरी नहीं थी। लेकिन मज़ा आया इसको देखने के बाद, क्यूट स्वीट सी छोटी सी वीडियो थी जो कि इंटरटेनिंग थी और जो कि जिस हिसाब से पेश की गई है और जो मतलब करेक्टर और जो फ़नी चीज़ें दिखाई गई हैं और जो आपको मज़ा आया इसको देखने के बाद, और जो मतलब रियलिस्टिक आप जो चीज़ें होती हैं वो भी मतलब काफ़ी इस तरह की होती हैं कि ईद कब मिलना, और मतलब ये कह सकते हैं रियलिस्टिक चीज़ों को फ़नी वे में दिखाया काफ़ी अच्छे तरीके से शॉर्ट से, मतलब वीडियो में जो कि मज़ा आया इसको देखने के बाद। और जो कि मतलब हकीकत में भी इस तरह से होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत कम ईदी देते हैं और इतनी कम देते हैं तो कि बस लेने वाले को ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन मतलब ईदी का मतलब ये नहीं होता कि ईदी ज़्यादा दी जाए तो आप ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि जो है
ईदी अगर कोई आपको 10-20 रुपए भी दे तो ईदी ईदी ही होती है, तो इसमें खुशी से ले लेनी चाहिए। मेरी अपनी जाती राय यही है कि हमें मतलब दूसरों को भी देखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी हालात लोगों के तंग होते हैं, मसले मसाइल परेशानियाँ होती हैं, या फिर कुछ लोग कंजूस होते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन ईदी जो होती है वो आपको मतलब 5-10 रुपए कोई मायने पैसे नहीं रखती, 50,000-5,000 ये मायने नहीं रखती है। बंदा जब खुशी से कोई किसी को दे रहा होता है तो आपको ले लेनी चाहिए और खुश होना चाहिए उसी में, बनिस्बत आप सड़े सड़े मुँह बनाएँ या फिर कुछ इस तरह से करें। तो मेरी तो अपनी ज़ाती राय है कि ले लेनी चाहिए और खुशी से ले लेनी चाहिए, क्योंकि ईदी तो ईदी होती है और साल में एक बार आती है, चाहे वो कोई 10 रुपये दे, 20 रुपये या 500 रुपये या 5,000 या 50,000, तो जो है ईदी तो ईदी ही होती है। और जैसे कि इसमें मतलब नमाज का एक इंटरेस्टिंग पहले दिखाया गया तो जो यही होता है कि नमाज काफ़ी सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग की निकल जाती है, कुछ लोग काफ़ी लेट उठते हैं, और आजकल तो ज़्यादातर यही होता है, तो जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर ईदों में यही होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग सो के गुजार देते हैं, और जो कि अगर होता भी है कि अगर उठते नहीं तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जाके सो जाते हैं और 5-6 घंटे बाद उठते हैं, आधी ईद इसी तरह ही गुजार देते हैं। तो मतलब सबका अपना अपना अलग स्टाइल है, अपना नज़रिया और अपने हिसाब से वो गुजारते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे या फिर मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बता रहे, आपसे शेयर कर रहे, बस हम जो है एक हकीकत को बयान कर रहे हैं कि हर किसी का मतलब अपने हिसाब से अलग अलग जो है क्राइटेरिया लोगों ने बना लिया ईद का। कुछ लोग सो के गुजारते हैं, कुछ लोग भरपूर इंजॉय करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग घूमने फिरने चले जाते हैं। ज़ाहिर है सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्जी है, अपने अपने अंदाज़ हैं ईद गुजारने के, जो कि उनका अपना ज़ाती राय, उनका पूरा हक है भरपूर कि वो जिस तरह भी गुजारे, हम कौन होते हैं किसी के बारे में कुछ कहने वाले, लेकिन जो है ईद तो ईद ही होती है और ईद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ज़्यादातर जो मज़ा लोगों को आता है वो इसी ईद पर आता है, ईद उल फितर पर, क्योंकि जो है रमज़ान के बाद आती है तो समझ लें रोज़े रखते हैं लोग, और समझ लें तोहफे में ईद मिलती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी फ्रेंड्स, चलें बस मैं ऐसी बात को मतलब एंड करता हूँ इसी वीडियो के हवाले से, कि जो मतलब अच्छी तरीके से इसको पेश किया गया है और रियलिस्टिक चीज़ों को फनी वे में दिखा के और मुख्तसर से तौर पे कंप्लीट पैकेज की तरह थी ये वीडियो, जो कि मुझे मज़ा आया और मैंने इंजॉय करी, वेरी नाइस मैजेस्टिक ऑसम। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इसमें मेरा रिएक्शन, और इसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। See you in next video. Take care. Thanks for watching.